फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। वेलकम टू जेन असल क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे देखो, मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हाउ स्टेम, उसके बारे में फंडामेंटल क्या है। ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मोडिफिकेशन। जैसे कि हम रूट का मोडिफिकेशन पढ़े थे, सो स्टेम का क्या क्या मोडिफिकेशन, कौन कौन सा पर्पज के लिए होता है। देखो, स्टेम मोडिफिकेशन पहला क्या है, फॉर फूड स्टोरेज। कुछ कुछ ऐसा स्टेम्स होते हैं बेटा जिसको हम खा सकते हैं, मतलब व्हिच आर द सोर्सेस ऑफ व्हाट फूड। क्या क्या देखो, एग्जाम्पल देखो, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ पोटैटो, ये तो आप डेली खाते हो। जिंजर, टर्मेरिक, जर्मेरिक एंड कोलोकेशिया एक्सेट्रा, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। देखो ये जो टर्म है बेटा, पेरिनेशन मतलब, ये मतलब क्या होता है, मतलब सपोज कुछ कुछ ऐसा स्टेम्स होते हैं उसको हम इस साल रख के, अगर मतलब नेक्स्ट ईयर को अगर हम उसको लगाएंगे तो मतलब वहां से भी तुम्हारा जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब नया प्लांट आ जाएगा। सो टू टाइडी ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जिसको हम सेव करके स्टोर करके रख देंगे, इस साल सपोज नहीं लगाए, नेक्स्ट ईयर को लगाएंगे तो वहां से भी तुम्हारा न्यू प्लांट आ जाएगा। So, कुछ ये जो एग्जाम्पल मैंने साइट किया बेटा, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। ओके, आराम से ध्यान से रखना बेटा। ओके, मतलब देखो क्या कह रहे, देखो पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जर्मेरिक एंड कोलोकेशिया, नीट में क्वेश्चन क्या आ गया। देखो इधर कितना मैंने एग्जाम्पल साइट का, 1 2 3 4 5 लिखा है, तुमको क्या दे दिया बेटा, क्या बचेगा बोल तो नीट में, इनमें से 3 को सिलेक्ट कर देगा एंड और एक दूसरा का डाल देगा, कोई दूसरा चीज डाल देगा। तुमको बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर, किसलिए, फूड स्टोरेज। आएगा समझ में? सो बेटा मॉर्फोलॉजी का जो एग्जाम्पल होता है वो तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। मैंने बोल दिया लेकिन याद रखना आपका काम है, प्राइटलियर। चलो उसके बाद देखो, फर्स्ट गियर तुम्हारा फूड स्टोरेज के लिए तुम्हारा क्या मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद स्टेम टेंडरी, ये जो टेंडरी किसको बोलते हैं देखो बेटा, देखो सपोज ये हो गया हमारा, सपोज एक तो लीव है, हो गया कोई भी प्लांट्स है, यहां से तुम्हारा देखो एक तो कॉइलिंग जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। ऐसा समझ में, वो लैटरल भी हो सकता है नहीं तो टर्मिनल भी हो सकता है। मतलब ये जो टेंडरी होता है ये जस्ट लाइक ए कॉइल जैसा है, मतलब किस लिए हेल्प करेगा, एक तो प्लांट को और एक सपोर्ट के ऊपर चढ़ने के लिए, किस लिए चढ़ने के लिए। देखो स्लेंडर स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम कौन सा बॉन्ड बेटा, देखो एक्जिलरी बॉन्ड, ये बात, ये होता है तुम्हारा एक्जिलरी बॉन्ड। मतलब मैंने बोला जो एक्सिल से निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जिलरी बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या, ऑलरेडी मैं बोल चुका, बॉन्ड मतलब एक तो यंग शूट होता है, प्राचीन। दे हेल्प प्लांट टू कैरी, मैंने बोला उसको क्लाइंब करने के लिए, कोई भी प्लांट दूसरे के ऊपर मतलब क्लाइंब करने के लिए। ये जो एग्जाम्पल देखो, गॉड्स, गॉड्स मतलब ककंबर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप भाई। ये बेटा ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं लिख देता हूँ नीट के लिए, नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? हाउ मेनी, क्या क्वेश्चन आता है जानते हो आजकल एनटीए का, हाउ मेनी ऑफ देम आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टेंडरी। ध्यान से रखना बेटा क्वेश्चन को, ध्यान में रखना, हाउ मेनी ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या है, स्टेम टेंडरी। ऐसा समझ में, मतलब टेंडरी मतलब इसका इतना एग्जांपल तुमको साइट करना पड़ेगा, क्लियर। चलो उसके तरफ, ये टेंडरी होता है उसका थॉर, थॉर मतलब कुछ कुछ ऐसा देखो प्लांट है जहां पर कांटा निकलता है, कांटा निकलता है मतलब कौन सा पर्पस में, ग्रेजिंग एनिमल जब उसको खा जाते हैं वो कांटा उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ओके, देखो क्या लिखा है, दे आर थॉर मतलब वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द कौन सा बॉड, एक्जिलरी बॉड। ये भी बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। मतलब क्या पूछ गया तुमको, थॉर्न इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, एपिकल बॉड, लैटरल बॉड, एक्जिलरी बॉड, नॉन रियल। सो तुमको किसको लिखना है, एक्जिलरी बॉड। आई बात समझ में, अभी से शुरू करो, फर्स्ट ईयर से अगर बेटा प्रिपेयर करोगे तो तुमको नीट क्रैक करने में बहुत आसानी हो जाएगा। आई बात समझ में, देखो दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द कांटा, किससे, ब्राउजिंग एनिमल जो प्लांट को खा जाते हैं।
ओके एग्जाम्पल का तुम देखे होंगे, तुम्हारा घर में भी है साइट्रस ब्यूगनविलिया, समझ रहे हैं। सो साइट्रस जो नींबू, नींबू बोलते हैं जिसको, सो उसका कांटा रहता है, ओके। सो ग्राम जो ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए, सो इट इज जस्ट लाइक ए मॉडिफिकेशन प्रायर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप मॉडिफिकेशन इज फाइटोक्लेड। फाइटोक्लेड ये बेटा देखो, दिस इज ए ग्रीन फ्लैटेड और फेसी सिलिंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्या है क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो फाइटोक्लेड होता है बेटा, ये पर्टिकुलरली तुम्हारा देखो कैसे रहेगा, तुम लोग का कोई भी डेजर्ट को चलोगे, देखो डेजर्ट को चलोगे, ओके। सो ऐसे जैसा रहेगा, डेजर्टेड प्लांट जो होते हैं बेटा, जो जहां पर पानी तुम्हारा स्कार्सिटी रहता है, मतलब टू देखो ये किसी होता है, ये एक्चुअली तुम्हारा जो स्टेम होता है बेटा, देखो यहां से तुम्हारा कांटा भी निकलेगा, ओके। सो मतलब तुम जो कैक्टस, कैक्टस टाइप का कोई भी प्लांट ले लो, देखो ये तुम्हारा डेजर्ट प्लांट है, क्यों है, बिकॉज डेजर्ट में तुम्हारा पानी का स्कार्सिटी रहता है। तो अगर ये अगर पतला होगा, मतलब थिन हो जाएगा, सो मतलब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब एवापोरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पेड़ मर सकता है। इसलिए टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, क्या बोला मैं, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, मतलब जो गैसियस एक्शन वाटर जो लॉस होगा तुम्हारा बेटा, ओके, वाटर जो लॉस होगा तुम्हारा, सो उसको बचाने के लिए तुम्हारा जो स्टेम क्या हो जाता है, लीफ भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। डेजर्ट में तुम्हारा जो प्लांट होते हैं उसका लीफ भी मॉडिफाई हो जाता है, पढ़ेंगे हम लीफ में, लीफ मॉडिफिकेशन। लेकिन अभी हम कहां पर पढ़े, स्टेम के बारे में। सो स्टेम क्या होगा बेटा, स्टेम तुम्हारा मॉडिफिकेशन हो जाता है किसमें, फाइटोक्लेड में। इट इज अ ग्रीन फ्लैटेड फेसी सिलिंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, फाउंड इन सम कौन सा रीजन, जहां पर सूखा पड़ता है, मतलब जहां पर वाटर का स्कार्सिटी रहता है। सो इसके जैसा स्टेम उसका हो जाता है, टू रिड्यूस द, क्या लिखे हम, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन रेट को कमाने के लिए तुम्हारा स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा फाइटोक्लेड। पूरा क्लियर, एग्जांपल कौन सा देखो, जितना भी ये साइड किया सब सब में कांटा रहता है, अपुंसिया फ्लैटेड स्टेम, यूफोर्बिया सिलिंड्रिकल स्टेम, ओके। ये भी तुम्हारा बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का एग्जांपल है, ओके। सो अभी तो कितना पढ़े, फूल स्टोरेज स्टेम टेंडिल थॉर्न एंड फाइटोक्लेड, ओके। उसके बाद क्या है देखो, स्टोलन, दीज आर स्लेंडर लैटरल ब्रांच दैट एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरिया, मतलब एयर में ग्रो करने के बाद फॉर सम टाइम्स, ओके, आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। मतलब देखो इसका जो एग्जांपल क्या दिया, मिंट एंड जस्मिन, ये भी तुम्हारा बेटा नीट का क्वेश्चन है, पूरा क्लियर, नीट एंड तुम्हारा प्लस टू के लिए। इलेवन पॉइंट आई गए, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आता है उसको तुमको फोकस करना है बेटा। देखो स्टोलन देखो क्या है, उसका जो देखो इसका जो डायग्राम है, स्लेंडर लैटरल ब्रांच दैट एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, कोई भी प्लांट का देखो ये सब ग्राउंड है, ये मेन एक्सिस है, देखो मेन एक्सिस प्लांट का सपोज ये हो गया मेन एक्सिस, ओके, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरिया समटाइम्स, देखो ये कुछ देर तुम्हारा एयर में, सो जितना तक एयर में रहा उसको क्या बोलेंगे, एरिया। उसके बाद क्या करेगा वो, धीरे धीरे बेंड होकर बेटा वो ग्राउंड तक आ जाता है, समझ में आया, ओके। आफ्टर ग्रोइंग एरिया फॉर सम टाइम्स आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, मतलब यहां तक आ जाएगा। कुछ देर एयर में रहने के बाद ये जो तुम्हारा स्टोलन होता है बेटा, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आके तुम्हारा ग्राउंड पर टच कर फिर ऊपर चल जाएगा, पूरा क्लियर, ओके। सो उसका एग्जांपल क्या है, मिंट एंड जस्मिन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है बेटा, ऑफसेट, ऑफसेट देखो, इट इज ए लैटरल ब्रांच With short internode, internode तुम्हारा second video में already बोल चुका हूँ बेटा। Internode मतलब क्या है? और एक बार बोल देता हूँ, दो node के अंदर जो portion रहता है, ये suppose हो गया मेरा node, ये हो गया बेटा मेरा node, ये बीच वाला portion, ये जो portion हो गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे रे? Internode। आएगा समझ में? दो node का पंचीकृति में node के अंदर जो portion रहेगा, उसको क्या बोलेंगे रे? Internode, ओके? It is a lateral branch with a short internode and each node bearing a rosette of leaves at the top of roots. देखो, ये जो node होता है बेटा, यहाँ पर rosette मतलब गुलाब का जो फूल होता है, मतलब वो तो बंच जैसा रहेगा। देखो, rosette of leaves, यहाँ से तुम्हारा leaves निकलेगा, यहाँ से तुम्हारा leaves निकलेगा। आएगा समझ में?
रोचेट मीन्स एट ए टॉप टॉप रूट्स, रूट्स ही उसके अंदर आ जाता है। ओके क्लियर। ये ऑफसेट होता है जिसका एग्जांपल देखो कहां पर है, एक्वाट के प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया, जिसको हम बोलेंगे रे टेरर ऑफ बेंगल, जिसको बोलते हैं इकोर्निया। आई बात समझ रहे? ओके तुम कोई भी तालाब में जाओ, कोई तुम्हारा ये जो प्लांट है उसको उठा लाओ, देखोगे समझ में। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जो प्लांट कहां पर है तुम्हारा पानी में जो ग्रो होता है, कौन कौन सा प्लांट है तुम्हारा बेटा, पिस्टिया एंड इकोर्निया। ये भी तुम्हारे बेटा नीट में आता है, ये नीट में आता है तुम्हारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या क्वेश्चन आ गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ऑफसेट। दो तुम्हें एग्जांपल बोला, एक पिस्टिया एक तुम्हारा क्या है इकोर्निया। आई बात समझ में? तुम्हारा लास्ट जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हो रहा है बेटा उसको क्या बोलेंगे, सकर। सकर द लैटरल ब्रांचेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल ग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम का जो मेन स्टेम होता है उसका लैटरल, लैटरली जो ब्रांच निकलेगा वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सकर में। इट ग्रोज होराइजॉन्टली बिनीथ द सॉइल, मतलब देखो सॉइल के नीचे वो ग्रो कर जाएगा। मतलब कोई भी तुम्हारा लैटरल ब्रांच मेन एक्सिस का, देखो ये हो गया मेरा सॉइल लेवल, ये हो गया प्लांट, ये मेन एक्सिस है, ये सब लैटरल ब्रांच, सब यहां से आके वो नीचे नीचे बढ़ेगा। ओके इट ग्रोज होराइजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम अप ओब्लिकली अपवर्ड गिविंग रेस्ट टू लीवी शूट्स। देखो ये तुम्हारा हो गया बेटा क्या है मेन एक्सिस, ये हो गया मेरा मेन एक्सिस प्लांट का, आई बात समझ रहे? ये हो गया मेन एक्सिस, ये मेरा हो गया देखो ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। सो यहां से लैटरल ब्रांच निकल के मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी के अंदर कुछ देर तक जाने के बाद ऐसे ओब्लिकली निकल जाएगा, मतलब इट विल मेक एन एंगल विद द किसके साथ, ग्राउंड के साथ। आई बात समझ में? ओके एंड उसके बाद क्या बनता है, यहां पर भी तुम्हारा लीफी शूट आ जाता है, मतलब लीफ एंड जैसे ब्रांच तो नॉर्मल प्लांट आता है उसी पर में आ जाएगा पूरा। क्लियर मतलब समझ में आया ना, लैटरल ब्रांच निकलेगा मिट्टी के नीचे होराइजॉन्टली कुछ देर तक जाने के बाद ओब्लिकली सडनली ग्राउंड से निकल आता है। ओके एग्जांपल कौन कौन सा है, बानन पाइनएप्पल एंड क्रिजैंथेमम, ये भी बेटा तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। ओके बानन पाइनएप्पल एंड क्रिजैंथेमम। सो मेरा कहने का मतलब है बेटा मॉर्फोलॉजी ऐसे का ऐसा चैप्टर है जहां पर तुम्हारे एग्जाम्पल भरा हुआ है, नीट का जो सबके टारगेटेड क्वेश्चन होता है वो फ्रॉम मॉर्फोलॉजी से होता है, क्योंकि बच्चे लोग को दिक्कत होता है एग्जाम्पल याद रखने में, तुम अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। मैंने तो आपको जितना भी टर्म का मतलब था मैंने समझा दिया उसको आराम से। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप वॉच कर रहे हो। ओके अगर कुछ दिक्कत बनेगा तो कमेंट में लिखो। ओके आज हम क्या अभी क्या पढ़ेंगे देखो, अबाउट लीफ आएगा समझ में। सो बेटा देखो ये जो लीफ होता है ना बेटा ये तुम्हारा कोई भी प्लांट का सबसे अहम चीज होता है, क्यों, बिकॉज जहां पर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का जो लीफ होता है बेटा, ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाया क्यों रे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या क्लोरोफिल पिगमेंट। आई बात समझ में? सो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा बेटा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जो कि तुम्हारा लाइट ट्रैपिंग सेंटर होता है, जो कि हम तुम्हारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो लीफ जो होता है, लीफ के बारे में पढ़ने से पहले उसका फंडामेंटल देखो, इट इज लैटरल एंड क्या रे फ्लैटेन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। देखो ये अगर मेरा स्टेम हो गया बेटा, ये सपोज हो गया मेरा स्टेम, आई बात समझ में? सो ये अगर स्टेम हो गया, सो यहां से जो फ्लैटेन स्ट्रक्चर निकला है उसको हम कहते हैं लीफ। इट डेवलप्स एट द नोड, कहां पर ये डेवलप होता है, मैं पहले तुम्हारा वीडियो नंबर 2 में मॉर्फोलॉजिकल में बताया है कि जहां से तुम्हारा जो नोड होता है, मतलब जहां से नोड किसको बोलेंगे, जो पॉइंट से तुम्हारा लीफ निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। क्लियर है? ओके सो इट डेवलप्स ऑन द नोड एंड बियर्स ए बॉड इन द एक्सिल। देखो ये जो एक्सिल, देखो यहां से तुम्हारा जो बॉड निकलेगा, क्या लिखा है मैंने, इट डेवलप्स नोट एंड बियर्स ए बॉड इन इट्स एक्सिल। यहां पर तुम्हारा एक तो बॉड रहता है, बॉड मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या है, यंग शूट, क्या बोलेंगे उसको, यंग शूट। आएगा समझ में? द ऑक्सिलरी बॉड लैटरल डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। ऑक्सिलरी बॉड किसको बोलते हैं, जो देखो ध्यान से देखना बेटा, एक्सिल से देखो ये स्टेम, ये हो गया हमारा लीफ का जो एक तो पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, पेटीकुल। सो ये बेस से तुम्हारा एक तो
क्या निकलेगा? एक्सिल से अगर निकलेगा, एक्सिल से मतलब एक्सिस से, उसको बोले में एक्जिलरी होगा। अगर टर्म में विडो नंबर टू में आपको बोला था, अगर टर्मिनल टर्मिनल पोजीशन में अगर कोई बॉर्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल बॉर्ड और एपिकल बॉर्ड। आइडिया समझ में? देखो लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो लीव्स कहां से ओरिजिनेट होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम अगर अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ये तुम्हारा जो पॉइंट, देखो बायोलॉजी का बेटा मेन होता है तुम्हारा टर्म का मीनिंग। सो देखो मैंने क्या लिखा, लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। तुम जानते हो जब कोई सीड जर्मिनेट होता है, मैं वीडियो नंबर 1 में बोला था आपको मॉर्फोलॉजी का, प्लीम्यूल से आपका निकलेगा सूट सिस्टम एंड रेडिकल से निकलेगा आपका रूट सिस्टम। आया समझ में? चलो सो एपिकल मेरिस्टेम मतलब लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब सूट का जो प्लीम्यूल का जो टिप पोर्शन होता है बेटा, दीज सेल्स आर हाईली डिविजिबल, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आया समझ में? सो लीव्स ओरिजिन पर सूट एपिकल मेरिस्टेम अरेंज्ड इन एन की कौन सा ऑर्डर है? एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या? देखो देखो कोई भी तुमको पेड़ के पास तुम जाओगे, देखो ब्रांच में जो तुम्हारा लीफ निकलेगा, देखो नीचे की तरफ जो लीफ रहेगा वो बेटा बड़ा रहेगा, क्लियर? धीरे धीरे तुम जितना ऊपर जाओगे उसका लीफ का साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आएगा समझ में? सो एक्रोपेटल का मतलब है बड़ा जो लीफ है वो नीचे की तरफ रहेगा एंड जो छोटा लीफ है वो ऊपर की तरफ रहेगा। आएगा समझ में? चलो सो ये हो गया हमारा एक्रोपेटल ऑर्डर। देन नेक्स्ट पॉइंट, देयर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने बोला था आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट, सो लीफ इज द इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब कौन सा? हमारा जो फूड सिंथेसिस होगा C6H12, ओके, जो कि तुम्हारा हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल पढ़ेंगे उसको पूरा, क्लियर? ओके उसके बाद हम पढ़ेंगे तो एक तो टिपिकल लीफ का क्या क्या पार्ट्स रहता है। ए टिपिकल लीफ थ्री मेन पार्ट्स। पहला वाला जो होता है क्या है? लीफ बेस। देखो ये वाला ये जो पॉइंट है जहां से तुम्हारा स्टेम से जहां से तुम्हारा लीफ निकलेगा वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। पूरा क्लियर? यस। देखो लीफ का जो बेस होता है, जो स्टेम को अटैच हो करेगा, ब्रांच को अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। देखो विद दिस द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, जहां से जिसके द्वारा तुम्हारा लीफ स्टेम के साथ अटैच करेगा। इट मे बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको? स्टिप्यूल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये जो स्टिपुल है ये कभी कभी मॉडिफाई भी हो जाएगा। ये जो स्टिपुल होता है तुम्हारा जो कि लीफ बेस से निकलेगा, सो ये कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, नहीं तो कोई भी, मतलब ये तुम्हारा ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? फॉर ए स्पेशल पर्पस, जो कि डेजर्टेड प्लांट में ज्यादा होता है। ओके, इन मोनोकोट्स, कौन सा प्लांट है? इन मोनोकोट। मोनोकोट मतलब मैंने आपको पहले से बोल रखा है, मोनोकोट जो प्लांट में तुम्हारा सिंगल कोटिलेडन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलेडन। इन मोनोकोट द लीफ बेस एक्सपैंड्स टू द सीड कवरिंग, सीड कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। इन सम लेग्युमिनस प्लांट, देखो लेग्युमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बी स्वेलन, इट इज कॉल्ड पॉलिनस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिन लेग्युमिनस प्लांट मतलब तुम्हारा जो डाल टाइप का तुम्हारा जो मतलब मूंग, ओके, जो सीरियल्स होते हैं, तो उनका जो लीफ बेस होता है बेटा, ये जो लीफ बेस देखो ये स्वेलन रहता है। आएगा समझ में? ये स्वेलन रहता है पूरा, क्लियर? सो ये जो स्वेलन लीफ बेस को हम क्या बोलेंगे? जहां पर तुम्हारा लीफ बेस स्वेल हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या है? पॉलिनस। क्या बोले उसको बेटा? पॉलिगिनस बेस। आइएगा समझ में? आप और एक प्लांट का नाम बोलो, माई मोजा पुड़िका, माई मोजा पुड़िका, क्लियर? सो उसको जो बोलते ना टच मी नॉट प्लांट, उसका जो लीफ बेस देखोगे वो तुम्हारा पॉलिगिनस होता है। उसका मेकानिज्म है बताएंगे हम बाद में। देखो पहला लीफ का तुम्हारा पार्ट्स है लीफ बेस, सेकंड है पिटियोल। देखो यहां से देखो बेटा, पिटियोल मतलब देखो स्टेम जो ब्रांच होता है एंड लीफ का जो बडर लैमिना, ये जो पर्सन है इसको हम क्या बोलेंगे? पिटियोल। इसको क्या बोलेंगे? पिटियोल। पिटियोल का इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, मतलब ये लीफ को लाइट की तरफ होल्ड करने में मदद करेगा। ओके, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ द लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड,
मतलब जिसका पिटल लंबा रहता है वो क्या करेगा तुम्हारा विंड में वो ओसिलेशन करेगा विंड में, पूरा क्लियर? पिटल से लंबे लीफ्स को फ्लटर इन विंड, दे आर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। आएगा समझ में? ओके, लास्ट पार्ट तुम्हारा क्या है बेटा? लामिना। लामिना मतलब क्या है? ये तुम्हारा मेन पार्ट होता है, देखो ये वाला, ये पोर्शन को देखो, ये जो यहां से ध्यान से देखना बेटा डायग्राम को, यहां से तुम्हारा ये जो टोटल पोर्शन है, यहां से ये जो टोटल पोर्शन है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे लीफ का लामिना। जो ग्रीन से, जो ग्रीन मैंने कलर किया है, इसी पोर्शन को हम क्या बोलेंगे लामिना। सो द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट विद वेन्स एंड वेलेट, देखो इसके अंदर जो चीज है बेटा, ये देखो ये सब वेन वेलेट्स है। देखो ये जो बीच में जो तुम्हारा मेन वेन आया है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे मिडरी, उसको क्या बोलेंगे मिडरी, क्या बोलते हैं उसको मिडरी। वो मिडरी से तुम्हारा वेन एंड वेलेट्स, वेन जो ब्रांच हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे वेलेट्स। पूरा क्लियर? द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज, यहां पर लिखा है द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड एज व्हाट मिडरी, मतलब ये जो मेन पार्ट है, मेन वेन जो है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लामिना एंड एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। जो तुम्हारा देखो जो रूट्स है, रूट से तुम्हारा जो वाटर एंड मिनरल्स तुम्हारा अब्सॉर्प्शन होगा रूट के चप्पे, बारे में जो उसका जो मतलब तीनों रीजन होता है, मेरिस्टमैटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन एंड मैच्योरेशन रीजन। ओके, सो रूट है जहां से निकलता है मैच्योरेशन। सो रूट से जो तुम्हारा वाटर एंड मिनरल्स जो तुम्हारा अब्सॉर्ब होगा वो तुम्हारा चैनल देके कहां तक पहुंचेगा, लीफ तक पहुंचेगा। वही जो मतलब ये जो क्या लिखा वेन्स, ये जो वेन है, ये वेन क्या करेगा रे, आपका जो चैनल, चैनल पर ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। आएगा समझ में? उसके बाद हमको क्या लिखा है वेनेशन। नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये लीफ का, डिफरेंट थ्री पार्ट हो गया, लीफ बेस, पिट्यूल, लामिना। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या बेटा, देखो कोई भी लीफ में ये जो बोला मैं, देखो ये वेन एंड वेनलेट्स कैसे अरेंज हुआ है, समझ में? हर कोई लीफ का तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, और कोई लीफ में तुम्हारा जो वेन वेनलेट्स, देखो बनाना का जो बनाना ट्री होता है उसका जो वेन वेनलेट्स वो पैरेलल रहता है, आएगा समझ में? So, मतलब ये जो वेन वेनलेट्स हर कोई लीफ में सेम नहीं रहता है। सो वेनेशन का मतलब बेटा क्या लिखा है, पिटी का अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लामिना। सो ये लीफ लामिना में वेन एंड वेनलेट्स, ठीक से समझना, लीफ लामिना में वेन एंड वेनलेट्स कैसे अरेंज हुआ है, सो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे वेनेशन। आएगा समझ में? देखो ये जो वेनेशन दो टाइप का होता है, देखो एक तो रेटिकुलेट वेनेशन एंड एक तो होता है तुम्हारा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसको बोलेंगे तुम ध्यान से देखो, जो लीफ में तुम देखोगे जो वेन वेनलेट्स ऑफ मतलब ब्रांच एंड सीवियर ब्रांच होंगे, मतलब वेरियस ब्रांच होके पूरा छोटा छोटा वेनलेट में पूरा लामिना को कवर करते रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, रेटिकुलेट वेनेशन। आई बात समझ में? ओके, एंड रेटिकुलेट वेनेशन बेटा कहां पर मिलता है, डाई कोटिलेडोनस प्लांट में, जिसका दो टो कोटिलेडोन होता है। डाई कोटिलेडोनस प्लांट में तुम्हारा क्या रहेगा रे, रेटिकुलेट वेनेशन। आई बात समझ में? उसका सेकंड है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन देखो, सपोज ये जो बनाना, बनाना का जो तुम्हारा देखो सपोज ये होता है ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे, ओके ऐसे रहता है, ये बीच में एक तरह का देखो ये सब ऐसा रहता है। ओके क्लियर? सो मतलब ये जो वेन वेनलेट है बेटा, ये पैरेलल ही अरेंज है, पैरेलल ही, पैरेलल अरेंजमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। हियर द वेन्स रन कैन कनेक्ट पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लामिना, इट इज सीन इन कहां पर है, मोनोकोटिलेडन। सो मतलब ये तुम्हारा अच्छा है डिफरेंस बन गया बिटवीन डाइकोट प्लांट एंड मोनोकोट प्लांट रिगार्डिंग वेनेशन। डाइकोट प्लांट में तुम्हारा रेटिकुलेट वेनेशन चलेगा एंड तुम्हारा मोनोकोटिलेडन प्लांट में तुम्हारा पैरेलल वेनेशन चलेगा।